आइए हम आपकी खिदमत में लेकर के आए हैं नूरानी कायद। कुरान मजीद को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए, कवायद के साथ पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें नूरानी कायदे को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। अगर हमने नूरानी कायदा अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला हम कुरान मजीद को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम इसे इस तरीके से खोलेंगे तो हमें ये शुरू में ऐसा दिखाई देगा। ऊपर लिखा हुआ है तख्ती नंबर 1 मुफरदात। अलग अलग हरूफ को मुफरदात कहते हैं, अलग अलग हरूफ को मुफरदात कहते हैं। कोई भी आपसे सवाल करे कि मुफरदात किसको कहते हैं तो आपको बताना है कि अलग अलग हरूफ जो हैं ये इनको मुफरदात कहते हैं। ये 30 के 30 हरूफ जो भी हैं इन सबको मुफरदात कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये दुआ लिखी हुई है, हम इस दुआ को पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। अलिफ अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा जा सीन शीन स्वाद द्वाद त्वा ज्वा ऐन गईन फा कौफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। अब ये हो गए पूरे 30 के 30 हरूफ। हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि इन हरूफों को कैसे अदा करते हैं, इन हरूफों के मखरज भी आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला।